वेलकम बैक एवरीवन। टुडेस मूवी ऑफ डिस्कशन इज ऑस्लो, व्हिच इज बेस्ड ऑन एन अवार्ड विनिंग प्ले। ये मूवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि 1990s में हुए ऑस्लो पीस अकॉर्ड के बैक चैनल की स्टोरी रिप्रेजेंट करती है, जहां इजराइल और पैलेस्टीन के ऑफिशियल और अनऑफिशियल टॉक्स पर फोकस किया गया है। एंड आई मस्ट से द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एक्टर्स आर एक्सट्रीमली गुड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। कहानी शुरू होती है जिसमें हमें दो नॉर्वेजियन कपल्स शो होते हैं। मोना है नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री में एक जूनियर मिनिस्टर, वहीं उनके हस्बैंड लार्सन एक फेफो नाम के थिंक टैंक के मेंबर हैं। मोना से फोन कॉल पर बात करने के बाद लार्सन सीक्रेटली योसी बेलिन से मिलता है, जो कि नॉर्वेजियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है। यहाँ लार्सन योसी को इस बात पर एग्री करने की कोशिश करता है कि किसी तरह इसराइल और पीएलओ के बीच एटलीस्ट नॉन ऑफिशियल टॉक होना चाहिए, जिससे पैलेस्टीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। वहीं लार्सन की वाइफ मोना अहमद क्यूरी से मिलती है, जो कि पीएलओ फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फिलहाल लंदन में स्टे कर रहे हैं। मोना उनको बातचीत के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। नाउ अहमद क्यूरी, जो कि पीएलओ के मेंबर हैं, फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी इजरायली से मिलने वाले हैं, और वो इजरायली है एक प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा इन इजराइल, और ये प्रोफेसर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। मूवी में ऐसे डिप्लोमेटिक इश्यूज में इन्वॉल्व नर्वसनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ यहाँ अहमद क्यूरी और प्रोफेसर फर्दर टॉक्स के लिए एग्री हो जाते हैं। सीन चेंज होता है जिसमें मोना और लार्सन, जो कि नॉर्वेजियन कपल्स हैं, ये पूरा इंसिडेंट नॉर्वे स्टेट सेक्रेटरी को बताते हैं कि बातचीत सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन सेक्रेटरी बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है कि मोना बिना नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किए ये सब कर रही है। बट फाइनली मोना स्टेट सेक्रेटरी को कन्विंस कर लेती है कि इस बात को अभी प्राइवेट ही रखना सही होगा कि बैक चैनल में इसराइल और पीएलओ के बीच अनऑफिशियल टॉक चल रही है। नेक्स्ट लोकेशन है साफ्सबर्ग नॉर्वे। यहाँ भी मीटिंग अनऑफिशियल है और लिटिल अपग्रेडेशन हुआ है मेंबर्स में। अहमद क्यूरी के साथ यहाँ पीएलओ के मेंबर हैं, वहीं इजरायली प्रोफेसर के साथ भी एक न्यू मेंबर है। अब यहाँ मीटिंग खत्म होती है जिसमें पीएलओ का ये प्रपोजल है कि इसराइल गाजा से विड्रॉ करे अपनी फोर्सेस और पीएलओ खुद गाजा को गवर्न करेगी। इसराइली प्रोफेसर भी इस बात पर एग्री हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इंतिफादा का एंड होगा, जो कि अरेबिक वर्ड है अपराइजिंग का। अब एक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। फर्दर लेट्स सी द इशू इन शॉर्ट। अगर हम ऑस्लो अकॉर्ड्स के पहले की रियल सिचुएशन देखें तो ऑस्लो अकॉर्ड्स के पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा। ये दोनों टेरिटरी इसराइल ने ऑक्युपाई कर रखा था, जिसे ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलीगल कहा। प्लस ये जो स्मॉल पैचेस हैं, स्पेशली वेस्ट बैंक एरिया में, यहाँ पर भी इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स हैं। और अगर गाजा की बात करें तो ये हमास नाम के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, जिसके व्यूज पीएलओ के व्यूज से डिफरेंट है, और हमास इसराइल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन में बिलीव करता है। यहाँ इस ऑस्लो अकॉर्ड से पहले ये दोनों टेरिटरी वेस्ट बैंक एरिया और गाजा स्ट्रिप इसराइल के अंडर में है। नाउ मूवी पर आते हैं। यहाँ अहमद कुरेशी नॉर्वेजियन मोना से कहते हैं कि आप इसराइल योसे बेलिन से बात करें और अब टॉक्स को फर्दर अपग्रेड किया जाए, जिससे वर्क ऑफिशियल हो ना कि सिर्फ अनऑफिशियल। नॉर्वेजियन लार्सन नेक्स्ट मीटिंग में डेलीगेशन के अपग्रेडेशन की बात इसराइली योसे बेलिन से बताता है। योसी कहता है अभी तक इस पूरी सिचुएशन के बारे में इसराइली गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ अब प्रेशर आता है नॉर्वे ऑफिशियल मोना पे, जो कि ये रिस्क ले रही है कि नॉर्वे गवर्नमेंट को इस पूरी प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता है, और ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी साबित हो सकती है मोना के लिए, जो कि बिना इन्फॉर्म किए अदर गवर्नमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है। नाउ अब इस सिचुएशन को लार्सन नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर हॉल्स्ट को इन्फॉर्म करता है, जिससे टॉक्स इसराइली साइड से फर्दर अपग्रेड की जाती है, जिससे अब टॉक्स में इसराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल उरी सेवरी शामिल होते हैं। मीटिंग स्टार्ट होते ही अहमद क्यूरी, जो कि पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उरी सेवरी से पूछते हैं आपके गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पे। तब उरी का रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है। आई हैव नो रिस्पॉन्स टू एन अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इस मीटिंग में अहमद क्यूरी उरी सेविर से डिमांड करते हैं कि इसराइल को गाजा, जेरूसलम और जेरिको, जो कि वेस्ट बैंक में लोकेटेड है, वो पैलेस्टीन को देना होगा। लेकिन जेरूसलम और जेरिको की बात पर इसराइल मिनिस्टर इनिशियली एग्री नहीं होते हैं। बट लेटर ऑन इन दिस मीटिंग उरी सेविर अहमद कुरेशी के गाजा और जेरिको के डिमांड मान लेते हैं, बट जेरूसलम पर कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में इसराइल के लीगल एडवाइजर शो होते हैं और इसराइली डेलीगेशन फर्दर अपग्रेड होता है। यहाँ लीगल एडवाइजर 200 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ पीएलओ ऑफिशियल्स के सामने आते हैं, जिनका उन्हें पीएलओ के मेंबर्स से कन्विंसिंग आंसर्स चाहिए।
फाइनली ये मीटिंग इस बात पर कंक्लूड होती है कि इसराइल पीएलओ को एज अ ऑफिशियल वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज करेगा, ना कि कोई टेररिस्ट आउटफिट। और पैलेस्टीन भी ऑफिशियली इस बात पर एग्री करेगा कि इसराइल एक लेजिटिमेट कंट्री है। और यहाँ से ये अनऑफिशियल बैक चैनल एक ऑफिशियल बैक चैनल की तरह काम करना शुरू करता है। The performances of the actors clearly shows the tensions involved in the situation. Again, यहाँ नॉर्वे officials के concern को भी clearly show किया गया है, जिनका concern ये है कि इतने बड़े decisions को undemocratic way में कुछ लोग द्वारा deal किया जा रहा है। Obviously, he is talking about PLO. Palestinian people को इस बारे में कोई knowledge नहीं है, जिसके कारण civil riots हो सकते हैं। Scene change होता है, जहाँ Israeli foreign minister ये बात करते हैं कि हमें PLO और उसके लीडर यासिर अराफात, जो कि अभी टूनिस में हैं, उनको गाजा में शिफ्ट करने को कहना होगा। अगेन नेक्स्ट मीटिंग में टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि फाइनली इसराइल जेरूसलम को पैलेस्टीन को नहीं देना चाहता, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल से किसी बात पर इसराइल ऑफिशियल्स एग्री नहीं है। और यहाँ पैलेस्टीनियन मेंबर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि पैलेस्टीनियन साइड से किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होगी अगर इसराइल उनको चार्ज देता है। दोनों साइड्स एक दूसरे की बात पर एग्री नहीं होते हैं, बट यहाँ नॉर्वेजियन ऑफिशियल मोना इंटरफियर करती हैं। और फाइनली बोथ साइड्स कुछ पॉइंट्स पर एग्री और डिसएग्री होते हैं। पीएलओ मेंबर्स प्रपोज करते हैं कि जेरूसलम को दोनों कंट्रीज की कैपिटल बनाना होगा, जिस पर इसराइल ऑफिशियल कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन होता है स्टॉकहोम का, जहां फाइनल एग्रीमेंट होता है बोथ साइड्स से। इजरायली ऑफिशियल स्वीडन में प्रेजेंट होते हैं और पैलेस्टीनियन फोन कॉल पे। यहां अगेन एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग पीएलओ चाहता है कि यूएन रेजोल्यूशन 242 और 338 को इस पीस अकॉर्ड में शामिल किया जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू फाइनल पीस अकॉर्ड, लेट मी एनलिस्ट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इसराइल अपनी फोर्सेस को गाजा, जेरिको और वेस्ट बैंक से विड्रॉ करेगा। सेकंड, पैलेस्टीनियंस को 5 साल तक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी जाएगी उस एरिया की। थर्ड, 9 मंथ्स के अंदर पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा। फोर्थ, पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट होगा। एंड फिफ्थ इज नथिंग बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ जेरूसलम वाज अनडिसाइडेड। फाइनली बोथ साइड अग्रीज। The movie ends here, but we know that actual Oslo Accords कभी implement नहीं हुआ। हालांकि इस accord को international community ने recognize भी किया, but both sides के लोगों ने इस accord को criticize भी किया। Situation और बुरी होती चली गई और एक इजरायली extremist ने इजरायली Prime Minister Rabin को assassinate कर दिया। And later on in the year 2000, second Intifada began. Above all, this movie basically questions the humanity. That's all for today's video. Stay healthy and God bless you all.